हेलो बेटा, हेलो एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नाउंस नंबर। ओके, एज यू नो वेरी वेल अबाउट द नंबर्स, देयर आर द टू नंबर्स, ओके, सिंगुलर एंड प्लूरल्स। सिंगुलर नंबर शो दैट द थिंग्स द पर्सन इन वन फॉर्म और सिंगल फॉर्म। ठीक है, हमारे पास कोई एक चीज़ है तो उसको शो करने के लिए हमारे पास सिंगुलर नंबर है। ठीक है, प्लूरल नंबर शो दैट द थिंग्स आर मोर देन वन। ओके, जब चीज हमारे पास में या कोई पर्सन एक से ज़्यादा होता है तो उसके लिए हमें प्लूरल फॉर्म यूज करना होता है। तो जो हमारे पास नंबर हैं वो दो फॉर्म में हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। नाउ सिंगुलर नंबर refers to one thing person or animal। Okay, example is boy, girl, man, एक्सेट्रा। ओके, ये जो एग्जांपल्स हैं ये आपके शो कर रहे हैं कि ये जो सिंगुलर फॉर्म है ये हमें सॉरी ये जो वर्ड्स हैं ये सिंगुलर फॉर्म में हैं। ओके, नाउ प्लूरल द वर्ड्स यू आल्सो यूज सिंगल। ओके, सिंगल वर्ड जो आप बोलते हैं उससे आपको आइडेंटिफाई हो जाता है सिंगुलर नंबर। एंड प्लूरल एज आई टोल्ड यू दैट रेफर्स टू मोर देन वन। जब चीज़ें हमारे पास में एक से ज़्यादा होती हैं तब हमें प्लूरल नंबर यूज़ करना होता है। ठीक है, अब एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं हम। बॉय, तो सिंगुलर में बॉय था हमारा, तो प्लूरल में हम इसको एस लगाकर प्लूरल बना देंगे। ओके, सिंगुलर में गर्ल था, प्लूरल में एस लगा के गर्ल्स बना दिया। ओके, मैन था, अब देखिए इन दोनों में तो हमने एस शो किया था और ये हमारे प्लूरल फॉर्म में चेंज हो गए थे, बट मैन में हमें एस नहीं लगाना है। ठीक है, इसमें हमें ई लगाना है और ये प्लूरल फॉर्म में चेंज हो गया। दैट यू से दैट हियर आई एड एस एंड एस इन बोथ वर्ड्स, बट हियर वी मेंशन ई इन द मिडिल, देन इट चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म। तो हियर आर सम रूल्स हाउ यू कैन चेंज द प्लूरल फॉर्म इनटू सॉरी सिंगुलर फॉर्म इनटू प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म में बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो उन रूल्स के थ्रू हम किसी भी सिंगल वर्ड्स को सिंगुलर वर्ड को प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू टेक दिस स्क्रीनशॉट नाउ। ओके, आई विल रेज इट। How to form singular to plural? सिंगुलर से प्लूरल हमें कैसे बनाना है? ठीक है, तो आपका वन नंबर देख लो। वर्ड्स या नाउन कर लो आप, नाउन
एंड्स विद O. Okay, we add ES. कोई भी नाउन हमारा जो O से एंड हो रहा है, ठीक है, O से एंड हो रहा है तो हमें क्या करना है, उसमें ES लगा देना है. ठीक है, कैसे, जैसे कि मैंगो, लास्ट इंडिकेट O, O आ रहा है. ठीक है, तो ये सिंगुलर है और इधर हम प्लूरल करेंगे तो मैंगो का हो जाएगा मैंगोज. ओके, हीरो तो हीरो का हो जाएगा हीरोज. लाइक दिस टाइप, जो भी वर्ड आपके ओ से फिनिश हो रहे हैं उसको आपको, जो सिंगुलर फॉर्म में है, जब आप उसका प्लूरल बनाएंगे तो आपको उसके आगे ई एस और लगाना है. ओके, दिस इज द ट्रिक टू फॉर्म द प्लूरल फॉर्म. इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न इट. नाउ नेक्स्ट वन इज नाउन्स एंड नाउन एंड विथ एस डबल एस CH, SH और X, V एंड ES. ओके, जो वर्ड्स हमारे डबल सॉरी सिंगल एस डबल एस सी एच एस एच और एक्स, जिसके लास्ट में वर्ड में एक्स हो, अगर वो वर्ड आ रहे हैं हमारे पास में तो आपको उसको प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए क्या करना है, उसमें आपको ई एस ऐड करना है. ठीक है, जैसे कि बस बसेस. ओके, नाउ ग्लास glasses, like this type. Okay, take the screenshot of it. Nouns and with any consonant we add s. जब कोई भी noun हमारा किसी भी consonant के साथ end करता है, ठीक है, तो उसको plural form में बनाने के लिए हमें s add करना होता है. We have to use s to make the plural form. Okay, suppose boys, then boys, girl, then girls. Remember it that any consonant, किसी भी consonant के साथ अगर कोई भी noun end हो रहा है then you have to add s to make the plural form. Okay, next one is noun ends with f or f e p and V E S. Whenever any
noun any words ends with F R F E, then we add to V E S to make the plural form. How? Example, leaf, leaves. Next है आपका cough. Okay. Third example is life, lives. But here mention that F, sorry, now down. Replace, okay? Replace the F and F E into V E S, okay? जो हमारा F है या F E है, इसको हटाकर हमें replace करके हमें V E S plural form में add करना है, okay? Now take the screenshot of it. Now I will erase it. Here nouns ends with consonant plus y, यानी कि last में तो किसी words के y आया हो and then just before any consonant, ठीक है, y से पहले कोई भी consonant अगर आया है तो आपको y को change करना है I E S में, ठीक है, आप यानी कि y को replace करेंगे और वहाँ उसकी जगह I E S add करेंगे. एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो इसको. आर्मी, ओके, तो आर्मी में आपको वाई रिप्लेस करना है और आई ई एस एड करना है. नेवी, तो नेवीज, लाइक दिस टाइप, ओके, वी हैव रिप्लेस द वाई इन विथ I E S. आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आप Y को I E S के साथ रिप्लेस कर रहे हैं या Y को हटा कर आपको I E S एड कर देना है, ठीक है. Nouns and with vowel. Vowel plus y we add s. देखिए क्या था यहाँ पर, nouns end with vowel plus y. यहाँ क्या था, y से पहले कोई consonant आता है, ठीक है, और यहाँ क्या है, y से पहले कोई vowel आएगा तो हमें उसमें plural form बनाने के लिए s add करना है, okay? Suppose boy, here is vowel just before the y, boys, okay. Now y, here also vowel just before the y, then
इन प्लूलर फॉर्म ट्वाइस, ओके इन प्लूलर फॉर्म ट्वाइस. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. नाउ आई एम रेजिंग इट. स्टूडेंट्स दीज आर द रूल्स टू फॉर्म द प्लूलर फॉर्म. ये रूल्स थे जो हमें सिंगुलर से प्लूलर फॉर्म बनाने के लिए यूज़ करने होते हैं. बट कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, सम वर्ड्स आर दैट नॉट फॉलो दीज रूल्स, जो इन रूल्स के अकॉर्डिंग प्लूलर फॉर्म में चेंज नहीं होते हैं. उनमें क्या होता है कि हमें दूसरा वर्ड ही यूज़ करना होता है. ठीक है, अब आपने किसी में एस लगाया, सम वंस हैव ई एस आई ई एस लाइक दिस टाइम. बट सम वर्ड्स आर नॉट फॉलोइंग दीज रूल्स, दे आर टोटली चेंज्ड सिंगुलर टू प्लूलर फॉर्म. जब हम सिंगुलर से उनका प्लूलर फॉर्म बनाएंगे तो वो पूरे चेंज हो जाते हैं. दीज आर द लुक हियर. सपोज द वर्ड्स नॉट follows follow the rules. These are the man. Okay, singular form में हम man को ऐसे लिखते हैं, पर जब हमें इसका plural बनाना होगा तो हम इसमें add s करेंगे. No, it is not right, it is wrong. तो plural फॉर्म बनाने के लिए हमें इसमें, दिस इज अ सिंगुलर प्लूलर फॉर्म बनाने के लिए हमें मैन में ई ऐड करना है. ओके, मैन देन मैन. सेकंड वन इज वूमैन. ओके देन वू मैन. थर्ड वन इज टूथ. ओके, जब हम किसी अपने एक टूथ को इंडिकेट करते हैं तो उसको टूथ बोलते हैं. लेकिन बहुत सारे दांत को जब हम इंडिकेट करते हैं तो वो हमारा टीथ हो जाता है. टीथ. ओके, फुट. फुट. ओके, सिंगल फुट, फुट एंड डबल देन फिट. स्टूडेंट्स दीज आर द नंबर्स आई told you about the singular and plural number, and I also explained how to form plural form with the rules, and I hope that you have more practice at home to understood this topic. Watch video again and again. If you have any types queries, then mention your question and your queries on my WhatsApp number. Okay, thank you everyone.